जाएगी देवगढ़ उस व्यक्ति के साथ, आई समझ? एक हाथ जगह जाकर प्रदर्शन करना अलग बात है बाबा, पर पिजड़ी भी काऊ ना है जो किसी ने मुद्राएं दे दी और ले गए राजमहल मारे को। अरे भोर आ गई है क्या? राजमहल में ठाट से रहेगी। कोई ना, मारे को बपौती समझेंगे वो लोग अपनी, नहीं रहना हमें सोने के पिंजरे में बंद। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, मैं दाम ले चुका हूँ। मैंने कहा था थारे को मुद्राएं लेने, तूने मुद्राएं ली, तू जाकर मुजरा कर, बिजली ना करेगी। देख बाबा, तू जानता है बिजली मारा और मारे भाई का ध्यान रख लेगी, लेकिन बिजली किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती बाबा, आई समझ? तुमने कहा था ना, थारा बाप जल्लाद है, थारे इस जल्लाद बाबा को थारी ना को हम बदलना आता है, मारे को थारी दुखती रग पता है, ये थारा छोटा भाई महावीर बहुत प्रेम करती है ना इससे, तो चुपचाप बिना नानुकुर की चली जा देवगढ़ और दाम कमा के दे, बचा ले इसे अपने प्यारे से छोटे भाई को बदवा मजदूर बनने से। बनवा मजदूर? हाँ, कपाली के विद्रोही गुट को बंधुआ मजदूर चाहिए थे तो मैंने महावीर को बेच दिया। क्या? इसे छुड़ाना है तो देवगढ़ जाना होगा, दाम कमाना होगा। ये कौन है? पकड़ लो इसे। हाथा लगाना। ले जाओ मजदूरी करवाओ। छोड़ दे, छोड़ो मेरे भाई। चल, वरना तेरी जीजी हमेशा के लिए संसार से चली जाएगी। मारे प्राण ले ले, मारे भाई को छोड़ दे बस। नहीं जीजी, अब जीजी को छोड़ दो, अब मुझे लेके चलो। नहीं, चलो। फिर नहीं। जीजी आप अपना ध्यान रखना, ये जल्लाद बाप को छोड़ के चले जाना। छोड़ बाबा, नहीं छोड़ मावी। देख, इसे छुड़ाना है तो दाम चुकाने होंगे। अब बोल, जाएगी देवगढ़? कैसा दुष्ट बाप है तू, इस मनुष्य योनि में जन्म लेने योग्य भी नहीं है, अपनी संतान को कौन बेचता है? याद रखना बाबा, अपने भाई को हम छुड़ा कर रहेंगे, फिर चाहे मारे को अपने प्राण क्यों ना त्यागने पड़े। अरे कोई नहीं मिलेगा। महावीर, महावीर, किसी छोटे बच्चे को ले जाते हुए देखा? महावीर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक है, क्या खाक टेकूंगी मैं? सब तो बिगाड़ दिया तुमने, क्या समझते हो, कौन हो तुम? धन है तो सब खरीद लेगा, मारे को भी। कैसे सोच लिया कि जरा सी सोने की मुद्राएं दोगे और बिजली को खरीद दोगे? बिजली सामान ना है, इंसान है इंसान। बिजली देखो, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। अरे वही जो ना होना चाहिए था। क्या? मारे से बिना पूछ, बिना मारी मंजूरी के तुमने बाबा को सोने की मुद्राएं दी। पता है मारे बाबा ने क्या किया? क्या किया? अरे भाई को बेच दिया। अरे ऐसे कैसे बेच दिया? महावीर को छुड़ाने के लिए मारे को दाम चुकाना पड़ेगा, झक मार के जाना पड़ेगा तारे साथ। याद रखना, आज यदि कोई निर्दोष, कोई मासूम बच्चा बंधुआ मजदूरी के नरक में ढकेला गया है तो वो थारे कारण, पाप लगेगा थारे को। बिजली देखो, चिंता मत करो, मुझे बता सकती हो तुम्हारे बाबा ने कहाँ भेजा है उसे? तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? मारे को पता होता तो मैं खुद ना चली जाती। थारे को क्या, थारे को जो चाहिए था वो मिल गया, आ तो रहे थारे साथ। बिजली देखो, मैंने सोना तुम्हारे बाबा को तुम्हें खरीदने के लिए नहीं दिया था, मैंने उनको सोना दिया था ताकि उनकी जो लालची नीयत है ना वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।
बिजली, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ और गलत काम करके मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। तो ऐसा करते हैं, पहले हम तुम्हारे भाई महावीर को ढूंढते हैं। देखो बिजली, यहाँ पे सिर्फ जंगल ही है, शायद तुम्हारे भाई को इसी रास्ते से लेकर गए। कितनी देर हुई है? अभी अभी। बिजली जल्दी इधर आओ, ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा किसी को घसीट कर लेकर गए यहां से। घसीट कर? देखो देखो, घबराओ मत, चल कर देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो, ध्यान से, सामान तो कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी चलो। बोला था ना ध्यान से चल, तेरी जान से ज्यादा महंगे हैं हथियार, चल जल्दी। मार चल, एक भी हथियार खराब नहीं होना चाहिए वरना कपाली तुम्हें जिंदा काट देगा। चलो जल्दी चलो। कपाली आज विद्रोही टुकड़ी को हथियार देने वीरपुर आने वाला है, हम वहीं उसे बंदी बना लेंगे, परंतु ज्ञात रहे हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक देखकर यह सुनिश्चित ना कर लें कि वही कपाली है। जय भवानी। जय भवानी। देवगढ़ का राजा हमारी जाल में फंस गया है, कपाली को ढूंढने इसी ओर आ रहा है, निशाना नहीं चुकना चाहिए। अब पता चलेगा इस राजा को कपाली उसे कितना आगे। आज कपाली के आतंक का अंत करके ही यहां से जाएंगे। जानता, मुझे जाने दीजिए। चुप कर। रानी की जानकारी देवगढ़ के सैनिकों तक पहुंचाता है और पूछता है कि तूने क्या किया। इसने आपके साथ गद्दारी की है कपाली। माफ कर दो। कपाली से गद्दारी? जान पे पड़ती है भारी। अब बोलो बाबा, बोलो बाबा, बोलो बाबा, बाबा 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 बाबा। कपाली से गद्दारी, जान पे पड़ गई भारी। बाबा 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 कपाली, जय कपाली, बाबा कपाली, जय कपाली, बाबा कपाली। अब तो निशान भी खत्म हो गए, पता नहीं कहां ले गए होंगे हमारे महावीर को। तुम्हें तुम्हें कोई अंदाजा है वो गुलाम बना के किसी को कहां लेकर जाते हैं? हाँ, वो ठेकेदार गुलामों को कपाली को बेच देते हैं, फिर वो अपने दूर पांवों के लिए प्रयोग करता है बेचारों का। कपाली को? हाँ। ये तो बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत बड़ा विद्रोही है। तो डर लग रहा है तो उल्टे पाव लौट जाओ, ढूंढ लूंगी मैं अपने भाई को। तुम आए भी क्यों हो वैसे हमारे महावीर को ढूंढने हमारे साथ? अरे मेरी वजह से तुम्हारे भाई को मैं किसी का गुलाम नहीं बनने दे सकता ना, और मैं चाहता हूँ तुम मजबूरी में नहीं, मेरे साथ अपनी इच्छा से चलो। बाबा, 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 बाबा।
बिजली वहां देखो, बिजली आवाज आ रही है, वहां जाकर भी पता चलेगा। बिजली, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना, उधर जाके देखते हैं जहाँ आवाज आ रही है, शायद तुम्हारे भाई के बारे में कुछ पता ही चल जाए। आराम से, बिजली आराम से। महावीर, एक क्षण। इसका मतलब कपाली को पता था हम यहां उसे ढूंढने आ रहे हैं। उसने जाल बिछाया है, हम पर हमला करने की पूरी योजना बनाकर बैठा है। चलिए। क्या हथियार आए हैं कपाली से, अब देवगढ़ के राजा को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। वाह कपाली, सूर्य प्रताप की मृत्यु निश्चित है, देवगढ़ की सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। उसके मरने के बाद देवगढ़ की रानी मैं बनूंगी, तुम सबकी कपाली। मुझे लग रहा है यही कपाली का ग्रुप है। मतलब दल गिरो, विद्रोह गिरो। देवगढ़ में बहुत समय से विद्रोह कर रहे थे, जैसे इन्हें हथियार बांटते हुए देखकर लग रहा है किसी बड़े हमले की तैयारियों में लगे हुए हैं। पर मारे को क्या है? मारे को थोड़ी ना कपालियाओं की गिरोह को ढेर करना है। मारे को मारे महावीर को ढूंढना है। महावीर क्यों नहीं दिख रहा हमें? पता नहीं कहाँ चला गया, कब से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। महावीर कहाँ है? रिको तारा, हाँ ठीक है, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, रुको। महावीर, बिजली, एक सेकंड, तुम्हें भी बंद करके ले जाएंगे ये लोग। हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना धनुष बाण अरेंज करता हूँ, ताकि जैसी मौका मिलेगा ना तुम कपाली के लोगों के ऊपर हमला बोल देना। क्या हो? और आ गए हो क्या? धनुष बाण कैसे चला लेंगे? कलाकार हैं, तुम क्या लगाते? ऐसे कैसे चला लेंगे? बचाओ बस मेरे महावीर को, कुछ और सोचो। वीर होता, बस तुम्हें याद नहीं है कि तुम कौन हो, क्या हो। हाँ, ठीक है, एक काम करते, मैं यहां से छुप छुपा के जाता हूं वहां पे, तुम्हारे भाई के हाथ में जो जंजीरें लगी है ना उसे मैं खोल दूंगा, ताकि वो उनके चंगुल से रिहा हो जाए। भाई के प्राण बचाने के लिए
अपने प्राण जोखिम में डाल दोगे? क्योंकि उसकी जान मेरी वजह से खतरे में नहीं है। कई बहस पानी में, महावीर को बचाने के चक्कर में खुद फंस गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।